अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ सहरी शाह से। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। कराची जहांगीर रोड बलोचपाड़ा में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। महमूदाबाद चनेसर गोट से भी 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरानशाह में जासूस तैयारे का एक घर पर हमला, 4 मिसाइल दागे गए, 4 अफराद हलाक। कोयटा में 6 अफराद की हलाकत के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल होगी। एसपुनी रोड पर फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडरों का इजलास, नेटो सप्लाई लाइन और अमरीका के साथ ताल्लुकात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। इत्तफाक राय के लिए कौमी सलामती कमेटी के मजीद इजलास होंगे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत आज होगी, जबकि अदालत उज़्मा रंजल पार्क प्रोजेक्ट्स पर फैसला भी आज ही सुनाएगी। इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन हासिल न करने पर टीचर का तालिबे इल्म पर तशद्दुद, लोहे के रॉड से वहशियाना तशद्दुद किया गया। बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। जॉर्ज गिलवे ने पाकिस्तानी नियाद इमरान हुसैन को 10,000 वोट से शिकस्त दे दी। और लॉस एंजलिस की अदालत ने हॉलीवुड की अदाकारा लिंडसे लोहन की आजमाइशी मुद्दत की सजा खत्म कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, एक ताज़ा खबर है हैदराबाद से, जहां पर मैन होल में गिरकर जांबाक होने वाले बच्चे की लाश 12 घंटे बाद तलाश कर ली गई है। लाश गंदे नाले से मिली है। आपको बताते चले, एक बच्चा जो कि हैदराबाद में मैन होल में गिरकर जांबाक हो गया था, उसकी लाश को 12 घंटे बाद तलाश कर लिया गया है और ये लाश गंदे नाले से मिली है। इस तरह के वाकयात पहले भी देखने को मिले हैं कि बच्चों की लाशें मिली हैं मैन होल से, जो कि गिरकर जांबाक हो जाते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान आरई से। इरफान आरई, बताइएगा ये बच्चे की उम्र क्या थी? जी सहरिश, 8 साल का बच्चा था फराज मुनीर, जो कि कल शाम को नाले में गिर गया था, जिसके बाद से उसकी लाश की तलाश जारी थी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि अपनी मदद आपके तहत लोग सारी रात इस लाश को तलाश करते रहे और आज सुबह जो है वो मेन नाले से ये लाश जो है वो लोगों को मिली है। और इस तमाम सूरत हाल में बल्दिया और एसडीए और किसी भी इदारे ने जो है वो लोगों की मदद नहीं की लाश तलाश करने में, और लोग अपनी मदद आपके तहत तलाश करते रहे। ये अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सैकड़ों गटर जो है वो हैदराबाद में खुले पड़े हैं, जो कि लोगों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं। इससे कबल भी 2 माह कबल 3 अफराद जो है वो कासमाबाद में गटर में गिरकर हलाक हो गए थे, जिनकी लाशों को कई घंटे बाद निकाला जा सका था। इसी तरह एक और बच्चा कासमाबाद में गिरकर हलाक हो गया था, जिसकी लाश को भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला था। यहाँ अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सूबाई वजीर से जब हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि एचडीए की जानिब से गटर पर ढक्कन क्यों नहीं लगाए जा रहे, तो उन्होंने भी बेबसी। बहुत शुक्रिया इरफान आरई तफसीलात से आगाह करने का। किन इंतजामिया की गफलत के बायस इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। दुनिया न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़। मजीद जानने के लिए विजिट कीजिए दुनिया न्यूज़।